कर्नाटक की एक शैक्षणिक संस्था में हिजाब को लेकर उपजे विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केश चौहान ने कहा कि संविधान में सबको अपनी पसंद का परिधान पहनने का अधिकार है, मगर संविधान में ये भी कहा गया है कि आपकी पसंद से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। केश चौहान ने आगे कहा कि हिजाब से किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिन शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड लागू हो वहाँ नियम का पालन करना चाहिए। बाहर आप कोई भी परिधान पहने, मगर शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई करते जाते समय नियम का पालन करना चाहिए, या फिर ऐसे संस्थान का चयन करें जहां आपकी पसंद के परिधान पहनने की अनुमति हो। जी बिल्कुल, हमारा संविधान अनुच्छेद 14 और 21 इसकी इजाजत देता है कि हम अपने हिसाब से जी सकते हैं, कुछ भी पहन सकते हैं। ये मैं मानता हूं, यही हमारे हिंदुस्तान के संविधान की खूबसूरती है कि हर मजहब को, हर इंसान को अपनी अपनी आजादी दी गई है और वो अपने हिसाब से कर सकता है। मैं मानता हूं कि मुस्लिम समुदाय हिजाब को एक पवित्र परिधान मानती है और उसको पहनने के लिए लेडीज अपना फख्र भी महसूस करती है, उनको पहनना भी चाहिए। लेकिन जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए इजाद किया गया था कि यूनिफॉर्म ये दर्शाता है कि कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई अमीर और गरीब नहीं है, इसमें इक्वालिटी है, यूनिफॉर्मिटी है। आप अगर विद्यार्थी बन के आते हैं तो विद्यार्थी ही रहते हैं, वहां पर सिर्फ शिक्षा करने आते हैं। हम कोई भी चीज को अगर इस टाइप की अगर कोई करते हैं तो डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, इसीलिए यूनिफॉर्म का इजाद किया गया था। और स्कूल और कॉलेज में ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, भले वो कोई भी धर्म का। आप पर्सनली आप कहीं बाहर कोई भी पहनिए, कहीं भी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर उस स्कूल में हम एडमिशन ले सकते हैं जहां पर ये यूनिफॉर्म ही हो, वैसा कर सकते हैं, वैसा कर लेना चाहिए। अब देखिए प्रियंका गांधी जी क्या बोलती हैं, जैसी उनकी मानसिकता है उसी हिसाब से बोलेंगी। अगर कोई इंसान से जवाब पूछा जाता है, तत्काल जवाब पूछा जाता है और जो इमीडिएटली आंसर निकलता है तो वो यही दर्शाता है कि आपकी मानसिकता वही है। जरूर बिकनी पहनने का और भी दूसरे परिधान पहनने का सभी को अधिकार है, लेकिन अपनी अपनी अलग अलग जगह में। संविधान हमारे को ये जरूर इजाजत देता है कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी पहनिए, लेकिन उसका असर असर दूसरों को या डिस्टर्ब करने का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ होता है, ये भी संविधान में लिखा है कि अगर इस चीज से दूसरों को तकलीफ होती है तो वो चीज वर्जित होती है,